किसान साथियों नमस्कार। बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज निर्यात के बारे में। किसान साथियों इस समय बांग्लादेश का जो प्याज है निर्यात होना स्टार्ट हो चुका है। अपने इंडिया का जो प्याज है बराबर किस बॉर्डर से कितना प्याज निर्यात हो रहा है तो इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारी के द्वारा बताएंगे। किसान साथियों बांग्लादेश में प्याज जो जाना स्टार्ट हो चुका है इसका जो असर है अपने इंडिया के बाजारों पर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने इधर की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ रही है किसान साथियों, क्योंकि अपने इधर जो मंडियों के भाव हैं कहीं ना कहीं 40 से लेकर 45, 50, 500 मतलब 5000 के करीब बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। 40 से लेकर 45, 50 रुपए प्रति एक किलो के हिसाब से जो प्याज है बिकता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में इतनी ज़बरदस्त तेजी है और बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश में प्याज जाना भी स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तेजी के आसार देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सारी जानकारी सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ नई अपडेट नई रिपोर्ट पाने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया हुआ है टोटल ओनियन एक्सपोर्ट इन बांग्लादेश। साफ साफ देख सकते हैं आप, जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा गया हुआ है घोसदंगा बॉर्डर, घोसदंगा बॉर्डर पर कल 29 गाड़ियों का निर्यात हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। पेट्रोपोल बॉर्डर है वहाँ पर कल जीरो हुआ है, मेहंदीपुर में जीरो हुआ है, हीली बॉर्डर से 10 गाड़ियाँ गई हैं। टोटल किसान साथियों बांग्लादेश में 39 गाड़ियों का निर्यात कल देखने को मिला है बांग्लादेश में। जैसे कि चार बॉर्डर की जो स्थिति है हमारे पास है, हीली बॉर्डर, मेहंदीपुर बॉर्डर और पेट्रोपोल बॉर्डर और वहीं पर है घोसदंगा बॉर्डर। इन चारों बॉर्डर की अगर स्थिति के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां हैं किसान साथियों देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा गाड़ियां घोसदंगा बॉर्डर से गई हैं, उसके बाद 10 गाड़ियां हीली बॉर्डर से गई हैं और पेट्रोपोल बॉर्डर और मेहंदीपुर बॉर्डर पर 0-0 गाड़ियां। लेकिन हीली और घोसदंगा बॉर्डर पर काफ़ी अच्छी मात्रा में मतलब 39 गाड़ियों का जो निर्यात है कल देखने को मिला है। 39 गाड़ियां अपने देश से बांग्लादेश में गई हैं, एक्सपोर्ट हुई हैं, बेची गई हैं प्याज की। तो वहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो वहाँ 80 से लेकर 100% के बीच में जो प्याज है बिकता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ का जो कांदा स्टेट है किसान साथियों, कांदा स्थिति बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। अपने इधर जब इतना तेजी है 40, 45, 50 के करीब बिकता हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ तो दुगना स्तर पर देखने को मिल रहा है, 80%, 90%, 70%, 100% के करीब जो प्याज है बिकता हुआ नज़र आ रहा है हर जगह है किसान साथियों। महाराष्ट्र की मंडियों में और राजस्थान की मंडियों में, यहाँ पर अगर बात करें किसान साथियों मध्य प्रदेश की मंडियों में, हर जगह स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। प्याज को लेकर, प्याज की अपडेट को लेकर, प्याज के भाव को लेकर, प्याज के माहौल को लेकर कहीं ना कहीं हद तक जो स्थिति है बहुत ही मार्जिन में बहुत सुरक्षित देखने को मिल रही है। आगे आने वाले समय में कयास लगाया जा रहा है और ज़बरदस्त उछाल के तौर पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। भारत सरकार ने निर्यात पर जोर दे रही है अपनी, भारत सरकार किसानों को फायदा होगा अगर निर्यात हुआ तो आने वाले समय में किसान भाइयों के जो भाव हैं, भाव के स्तर हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तेजी के दौर में देखने को मिलेंगे। ऐसे में किसान साथियों आपका निजी निर्णय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल का जो ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट है आपने भी देखा 39 गाड़ियों का हुआ है, इससे इंडिया के किसानों को कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर प्याज निर्यात होगा तो ज़्यादा मात्रा में अच्छी खासी तेजी आएगी, अच्छी खासी तेजी किसान भाइयों को और ज़्यादा ज़बरदस्त फायदा के तौर पर देखने को मिलेगी। तो आपका निजी निर्णय क्या है किसान साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।